ये जब बाइक पे पीछे लगेज लगाओ ना तो डिसबैलेंस होती है थोड़ी सी बाइक, ये देखो क्या होता फिर। आई एम स्टिल जस्ट होपिंग कि एंट्री मिल जाए मेरे को। ओ भाई चला ले, मेरे को बाइक बैलेंस करनी है। जनता की हाल चाल ने सब बढ़िया। अब ये तो आपने पहचान लिया होगा कि मैं नाइस रोड पे हूँ, है ना। तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ कोतागिरी। कोतागिरी कहाँ है? कोतागिरी है तमिलनाडु में, इट्स अ पार्ट ऑफ द नीलगिरीज, नीलगिरीज माउंटेन रेंजेस। बॉर्डर पे एग्जैक्टली क्या रिस्ट्रिक्शंस है मुझे भी नहीं पता, तो मैंने RT-PCR सर्टिफिकेट कैरी कर लिया है अपने लिए। जहाँ मैं रुकने जा रहा हूँ बहुत ही प्यारी जगह है, आपको सारी जर्नी भी दिखाता हूँ और वो जगह देख के तो आपको उससे प्यार ही हो जाएगा यार सच में। तो यार I hope you enjoy today's journey. कोतागिरी जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक तो ये जहाँ से मैं जा रहा हूँ, बेसिकली दिस विल गो टूवर्ड्स मैसूर, फिर मैसूर से बाईपास लेके ऊटी पहुँच के ऊटी से होते हुए कोतागिरी। इसकी खासियत क्या है, रश बहुत ज़्यादा होता है पर बीच में फॉरेस्ट एरिया आता है, पहाड़ वहाड़ आते हैं, 36 हेयरपिन बेंड्स आते हैं, तो मज़ेदार रूट है। अदरवाइज एक और रास्ता है, वो जाता है तमिलनाडु से सीधा सीधा, बेंगलोर से सीधा होसूर चले जाओ, यू एंटर तमिलनाडु एंड देन देर इज़ ब्यूटिफुल हाईवे, हाईवे 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 और फिर एकदम से घाट आ जाते हैं। थोड़ा सा एक शहर क्रॉस करना पड़ता है मेट्टुपालयम नाम का, वो रास्ता बहुत ही सुंदर है। यहाँ से कोई 50 किलोमीटर ज़्यादा होगा अप्रॉक्सीमेटली, पर वहाँ टाइम यहाँ से कंसिडरेबली कम लगता है। वहाँ पे अगर आप जाओ तो 6 घंटे में पहुँच सकते हो कोतागिरी। अभी हूँ मड्डूर में, रास्ते में रश काफ़ी है देखा जाए तो। अब मड्डूर की इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि जो हम मेदू वड़ा खाते हैं ना, दैट इज़ सेट टू बी ओरिजिनेटेड इन मड्डूर। ये जब बाइक पे पीछे लगेज लगाओ ना तो डिसबैलेंस होती है थोड़ी सी बाइक, ये देखो क्या होता फिर। ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है चलाने का। इवन तो धूप निकली हुई है पर हवा ठंडी है। जनरली क्या होता है इस शहर में, पहुंचो मांडिया में रश में, फंस जाओ ट्रैफिक सिग्नल पे और गर्मी से बुरा हाल हो जाता है, बट आज थैंकफुली वो बुरा हाल नहीं हो रहा, तो मज़ा आ रहा चलाने का। रश में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मेरे को। ट्रिप में ना GoPro बड़ा दुखी करता है, 1500 बारी इसकी बैटरी निकाल निकाल के फिर वापस डालनी पड़ती है, हैंग हो जाता है। और ये GoPro Hero 7 है, अभी जो GoPro Hero 10 आता है उसमें भी सेम बग है। और जिसको भी आप इंटरनेट पे GoPro यूज़ करते देखोगे ना, सब यही बोलेंगे कि सॉफ्टवेयर बहुत ख़राब है, सॉफ्टवेयर हैंग बहुत होता है। तो अब अपन पहुँच गए हैं मैसूर, बट आई थिंक मुझे लेफ्ट जाना है यहाँ से, तो वो सामने मैसूर है, ये जो आस पास है ये मैसूर की रिंग रोड है, और अपने को ऊटी जाना है तो अपन यहाँ से लेफ्ट ले लेंगे, क्योंकि मैसूर के आसपास का एक बाईपास रोड बन रखा है बेसिकली, तो यहाँ से ऊटी का रास्ता आ जाएगा। दूसरी साइड जाएंगे तो वहाँ से कूर्ग पास पड़ेगा, हालांकि रिंग रोड है, आप घूम के भी जा सकते हो जाने को इफ़ यू आर क्रेजी इनफ टू डू दैट। सो मैसूर इज़ अराउंड 150 किलोमीटर्स फ्रॉम बेंगलोर, उतना तो हो ही गया है और टाइम काफ़ी लग गया। मैं निकला था 7:30 बजे और 10:21 हो गए अभी, 10:21, अराउंड 3 आवर्स फॉर 150 किलोमीटर्स। यू कैन इमेजिन रश कितना ज़्यादा था रास्ते में।
इज द मल्टी स्ट्राडा V4S, ये भाई मेरे को रास्ते में भी मिला, नई नई बाइक है इसकी, इस झाड़ की छाँव में लगा देते हैं। ऑफ कोर्स आई स्टॉप्ड एट CCD, व्हाई नॉट। हाँ जी, तो कॉफ़ी ब्रेक इज़ ओवर। अब कहने को तो सिर्फ 100 किलोमीटर्स रह गए हैं, बट गूगल मैप शोज़ 3 आवर्स। अब इतना ज़्यादा टाइम क्यों? बिकॉज़ अब बाकी रास्ता जो बचा है वो फॉरेस्ट एरिया है और बहुत सारे हेयर पिन बेंड्स हैं, तो रास्ता बहुत मज़ेदार होने वाला है। आई एम स्टिल जस्ट होपिंग कि एंट्री मिल जाए मेरे को। RT-PCR सर्टिफिकेट तो है मेरे पास, तो आई होप प्रॉब्लम ना हो, बट क्योंकि वो माइक्रोन वेरिएंट अब बढ़ रहा है तो यू नेवर नो व्हेन अथॉरिटीज़ माइट चेंज देयर प्लान्स। एनीवे, मज़ा आया कॉफ़ी पी के, 1 घंटे से ज़्यादा यहाँ पे रेस्ट कर लिया मैंने। तो अब बस लेट्स गो। फॉरेस्ट एरिया आने ही वाला है और फॉरेस्ट एरिया की एंट्री पे काफ़ी चेकिंग वगैरह होती है, तो वो कभी कभी कैमरा को लेके गुस्सा हो जाते हैं, अलाउ नहीं करते। तो मैं नहीं चाहता कि कोविड के टाइम पे कोई ख़राब मूड में मेरे को वहाँ पे मिल जाए। तो मैं क्या करता हूँ, अभी कैमरा उतार के हेलमेट से बैग में रख देता हूँ। वहाँ पर एक बार एंट्री वगैरह हो गई मेरी, अच्छे से सब हो गया, फिर मैं कैमरा निकालूँगा आराम से। एक चेक पोस्ट एंट्री तो हो गई, वहाँ पर तो किसी ने पूछा नहीं, कर्नाटका वाला चेक पोस्ट था जो, पर तमिलनाडु वाला बचा। पर हिरण देखो भाई, हिरण सुबह सुबह हो तो यहाँ बहुत सारे जानवर दिखते हैं एक्चुअली। ओहो, सो ब्यूटीफुल। सुबह सुबह बहुत सारे जानवर दिख जाते हैं, पर दोपहर के टाइम आओ तो हिरण वगैरह ही दिखते हैं ज़्यादातर। सुबह सुबह आओ तो देर इज़ अ चांस ऑफ स्पॉटिंग बेयर्स, एलिफेंट्स, समटाइम्स अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली लेपर्ड्स टू। साउथ इंडियन फॉरेस्ट आर ब्यूटिफुल और अच्छे से मेनटेन भी किए हुए हैं इन्होंने। फॉरेस्ट कवर्स को रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया में डाला जाता है और ट्रैफिक भी बहुत अच्छे से रेगुलेट करते हैं। यहाँ भी स्पीड लिमिट है, ज़्यादा तेज चलाना नहीं चाहिए। क्या बात है, नॉइस, काफी सारे हिरण है भाई, देख रहे हो। ओहो, इट्स एन एंटायर हर्ड ऑफ देम, दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड राइट, हर्ड ऑफ डियर, आई डोंट नो डियर के ग्रुप को क्या कहते हैं भाई, अंग्रेजी में भूल गया मैं, जस्ट लेट मी नो। लव जी, आई एम इन तमिलनाडु। मेरे को तो ऐसी अचीवमेंट फील हो रही है जैसे मैं किसी कंट्री का बॉर्डर क्रॉस करके आ गया होता हूँ। पर जितना मैं नर्वस हो रहा था उतनी बड़ी बात थी नहीं, उन्होंने सिर्फ 10 रुपये लिए टोल टैक्स के। ग्रीन टैक्स होता है बेसिकली फॉरेस्ट को, फॉरेस्ट के थ्रू जाने के लिए बस 10 रुपये का ग्रीन टैक्स लिया और दैट वॉज इट। मैं कुछ ज़्यादा ही नर्वस होकर बैठा हुआ था यार। एक तो न्यूज़ में ऐसी ऐसी खबरें डाल देते हैं ना ये लोग। सो दिस इज़ द मुदुमलाई टाइगर एंड एलिफेंट रिजर्व। बहुत ही सोना है यार ये, बहुत ही सोना है। ओहो, इसी करके मैं पूरा ट्रैफिक से जूझ के आज यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि मैं इस रास्ते को बहुत मिस कर रहा था। बाइक पे कोतागिरी गए मेरे को लिटरली 2 साल हो गए हैं और इस रोड को देखे, इस एरिया को देखे भी 2 साल हो गए हैं। बहुत मिस किया यार मैंने ये, बट आई एम सो हैप्पी दैट आई एम बैक हियर नाउ। ओह भाई चला ले, मेरे को बाइक बैलेंस करनी है। गाड़ी वाले ना जब मन करे पूरी की पूरी रोक देते हैं भाई, पीछे बाइक वाले ने बैलेंस भी करनी है। मेरे को बोल रहे चले जाओ। हाँ
अभी ये फॉरेस्ट एरिया चलेगा, फिर ऊटी का सिग्नेचर कौ पॉपुलर को आई डोंट नो 36 हेयर पिन बेंड्स वाला रास्ता आ जाएगा। उन रोड्स पे डियावल को चला के तो बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है डियावल अच्छी रोड्स पे, और ये रोड एक्चुअली बहुत अच्छी हैं। अब अफ्रीका का टेस्ट होगा आज की हिली एरियाज़ में कितनी केपेबल है और ये कितनी स्टेबल है। आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, हाँ मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ।